नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधी सत्तो पीसीएस। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिवाइज करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 एमसीक्यू के थ्रू। यह टॉप 25 क्वेश्चन का सेट है जिसको रिवाइज करके बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 का टोटल थीम जो है कुछ मिनट्स में आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बिहार इकोनॉमिक सर्वे से जो है 5 से 6 प्रश्न जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार जीएसडीपी में 2020-21 के दौरान जो है कितना प्रतिशत की वृद्धि रही, कितनी वृद्धि रही। आपके ऑप्शंस हैं 9%, 3.5%, 2.5%, 4.5% और ई ऑप्शन है मोर देन वन नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 2.5% के बराबर है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार जो है राज्य के आर्थिक विकास का मुख्य कारण क्या रहा है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमारा जो आर्थिक विकास रहा है राज्य का 2.5% रहा है, तो ये किस कारण से रहा है। आपके ऑप्शन ए है कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में वृद्धि, बी है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, सी है राज्य में FDI प्रवाह, डी है राज्य में उद्योगों की अधिक स्थापना और ई है मोर देन वन नन ऑफ दीज। तो इसका जो मुख्य कारण रहा है जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास का, वह है कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में वृद्धि। सही आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में जीएसडीपी कितना है। देखिए, मैं बार बार प्रीवियसली भी बताते आ रहा हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ये ध्यान देना कि वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है, ठीक है, या बेस ईयर पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीएसडीपी पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जाम में जो है एग्जामिनेशन प्रेशर के वजह से आते हुए प्रश्न को भी आप गलत करने की टेंडेंसी बन जाती है बच्चों में। तो ऐसे प्रश्नों से बचे और दिमाग शांत करके ऐसे प्रश्न पढ़ें। तो वर्तमान मूल्य पर बिहार जीएसडीपी कितना है यही पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 618,000 करोड़, ये एच करोड़ का मतलब हजार करोड़, बी है 419.88 हज़ार करोड़, सी है 566.47 हज़ार करोड़, डी है 566 हज़ार करोड़ और ई वाला ऑप्शन है मोर देन वन नन ऑफ दी। जो इसका सही आंसर है वह 618,000 करोड़ रुपये के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर कितना है। आपके ऑप्शन हैं 34,314 रुपये, बी ऑप्शन है 50,555 रुपये, सी है 20,000 रुपये, डी है 1,00,000 रुपये और ई वाला ऑप्शन है मोर देन वन नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वह 50,555 रुपये के बराबर है, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्य के जीएसडीपी में अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है कितनी है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे यह क्वेश्चन है कि जीएसडीपी में राज्य के अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो इसका जो सही ऑप्शंस आप आंसर बताओ, मैं डायरेक्ट जो है आपका सही आंसर बता देता हूँ, आप सोचो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 61.2% के बराबर है, सबसे अधिक जो है इसकी हिस्सेदारी है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2016-17 से 2020-21 के मध्य जो है राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही है। आप सही ऑप्शन सोचो इसका क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही ऑप्शन है ए, 2.3% के बराबर रही है। ठीक है, इसमें भी आप प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि आप देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में, ठीक है, सकल जिला घरेलू उत्पाद में कौन सा जिला जो है अंतिम स्थान पे है। जी, तो इसका सही आंसर होगा वह शिवहर, जबकि पटना जो है यह प्रथम स्थान पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसे ध्यान में रखना।
अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा 2019-20 से 2020-21 के बीच विभिन्न सेवाओं पर किए गए खर्च में सर्वाधिक वृद्धि किसमें रही है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सामान्य सेवाओं पर, सामाजिक सेवाओं पर, आर्थिक सेवाओं पर, धार्मिक सेवाओं पर, और ई वाला ऑप्शन है मोर देन वन नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए है, सामान्य सेवाओं पर। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि जो है यह सामान्य सेवाओं पर रही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार गत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के मध्य जो है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में जो है वृद्धि कितना प्रतिशत के बराबर रही है। तो आप बताओ, इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, 2.1% के बराबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन अर्थात GSVA, देखिए कभी भी जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो या वो बजट पढ़ो तो उसमें जो भी इकोनॉमी के टर्म्स आते हैं उसको आप देख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वहीं से अराइज होने की संभावना होती है इकोनॉमिक वाले स्टडी पोर्शन में। तो 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र का हिस्सा पूछ रहा है कितना था। ठीक है, आप बताओ, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन पढ़ देता हूँ, 21%, 23%, 19.5%, 19%, मोर देन वन और नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन जो है यह डी होगा, 19% के बराबर रहा है। अगला प्रश्न है कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार डैश जिलों में जो है जैविक पट्टी विकसित कर रही है। काफ़ी चर्चा में रहा यह और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, 14, 13, 15, 21, मोर देन वन और नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है 13 जिलों में जो है जैविक पट्टी विकसित कर रही है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप बिहान का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं, स्कूली बच्चों को जागरूक करना, डिजिटल कृषक सेवाएं देना, प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, सहायता अनुदान देना और मोर देन वन नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है डिजिटल कृषक सेवाएं देना। देखिए, यदि आप इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना और उसमें स्क्रॉल करना, थोड़ा सा ऊपर जाना तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे हैंड रिटन नोट जो है काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, राज्य का अगला प्रश्न है, राज्य का फसल सघनता कितना है। राज्य की फसल सघनता कितना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ से प्रश्न पूछता है, सकल सघनता, कुल सिंचित क्षेत्र, कुल बुआई क्षेत्र, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान में रखना। इसका जो सही आंसर होगा वह 144% होगा, अर्थात सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योगों में शामिल नहीं है, मतलब ये उद्योगों का लिस्ट दिया हुआ है, तो बिहार के 3 जो सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं तो इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र उद्योग, मोर देन वन नन ऑफ दीज। देखिए, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जो है बिहार के 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योगों में शामिल है, जबकि वस्त्र उद्योग जो है नहीं शामिल है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, शामिल है नहीं शामिल है, ये हाँ और ना वाला भी टर्म आप याद रखना। MCQ कभी भी आप सॉल्व करो तो केवल आप आंसर ढूंढने की कोशिश मत करो, जो भी टेक्निक है, जो भी अपना एलिमिनेशन टेक्निक है, जो भी गेस वर्क है, काफ़ी जो है प्रिसाइजली यूज करो और दिमाग लगा के यूज करो। ठीक है, आँख बंद करके गेस मत मारो यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो। वर्ष 2019-20 में राज्य में निर्भरता अनुपात 62% था, जो है देश में निम्नतम, देश में उच्चतम, देश में मध्यम, निम्नतम से एक स्थान ऊपर, मोर देन वन नन ऑफ दीज। तो ये देश में सर्वाधिक है, देश में सबसे ज़्यादा जो है निर्भरता जो है बिहार में है। अब निर्भरता अनुपात क्या है, जब बच्चे व्यस्क हो जाते हैं उससे पहले के आयु वर्ग और जब बुजुर्ग हो जाते हैं उसके बाद का आयु वर्ग, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो आपको जो है निर्भरता अनुपात निकलता है किसी भी राज्य और देश का माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक पासपोर्ट मांग वाले जिले कौन से हैं, हमारा जो है अगला क्वेश्चन है। मोतिहारी और सिवान, सिवान और गोपालगंज, गोपालगंज और मोतिहारी,
पटना और गया, और ई वाला ऑप्शन है मोर देन वन नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा वह सिवान और गोपालगंज होगा, ठीक है, सिवान और गोपालगंज होगा। अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है पथ घनत्व में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, ठीक है, चौथा स्थान है बिहार का। पहले स्थान पे जो है केरल है, दूसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल है, और तीसरे पे जो है बिहार है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना है। 11.3%, 15.3, 14.3, 20.3, मोर देन वन नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा यह 15.3% के बराबर है, ठीक है। तो वर्तमान में पूछ रहा है तो वह 15.3% के बराबर होगा। वहीं 2011 का सेंसस पूछे इसके आधार पे तो ये 11.3% के बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य में बुजुर्ग आबादी 10.9% हो जाएगी, कब तक, 2025 तक, 2030 तक, 2036 तक, 2050 तक, मोर देन वन और नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा वह होगा 2036 तक, सी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंद्र वज्र मोबाइल ऐप जो है बिजली गिरने की चेतावनी देता है 30 मिनट पहले, 35 मिनट पहले, 40 मिनट पहले, 60 मिनट पहले, मोर देन वन और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सी, 40 मिनट पहले, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में कितने सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। आपके ऑप्शन हैं 24, 25, 30, 38, मोर देन वन, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, 24, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल खपत में राज्य में प्रथम स्थान है पटना और शेखपुरा का, पटना मुजफ्फरपुर का, पटना मोतिहारी का, पटना गया का, मोर देन वन और नन ऑफ दीज। तो आपका सही ऑप्शन होगा पटना और मुजफ्फरपुर जो है। देखिए आजकल पेट्रोल खपत को भी समृद्धि का एक प्रतीक माना जा रहा है, तो जिस राज्य, जिस जिले में जितना अधिक पेट्रोल खपत होगा आप समझ लेना वहाँ पे ज़्यादा समृद्ध लोग रहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है लघु बजट पैमाने पर प्रदेश के सबसे समृद्ध जिले हैं पटना व सारण, पटना व नवादा, पटना व मुजफ्फरपुर, पटना व गया, मोर देन वन और नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए, पटना और सारण। अगला प्रश्न है कि 2020-21 के दौरान प्रदेश में बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई। आपके ऑप्शन हैं 270, 115, 440 और 100। तो इसका सही ऑप्शन होगा 270 जो है बैंकों की नई शाखाएं 2020-21 के दौरान जो है खोली गई, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार प्रदेश स्तर पर बेटियों की छीजन दर जो है माध्यमिक स्कूलों के तौर पे देखें माध्यमिक स्तर पर तो कितना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है 66.7% के बराबर। अगला प्रश्न है कि मत्स्य उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन हैं पहला, चौथा, छठा और अंतिम। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी, चौथा स्थान है। तो ये थे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, चाहे वह 67वीं बीपीएससी हो या सीडीपी हो, दोनों के लिहाज से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट जो है बढ़िया से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये दोनों जो है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बीपीएससी जरूर पूछता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।